वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन ट्यूटोरियल के साथ मैं सौरभ स्वागत करता हूँ एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम जानेंगे 3ds Max से एक्सटेंडेड पैरामीटर्स के बारे में। तो जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके। ये मैंने अपना 3ds Max स्टार्ट कर लिया है। इसमें हम जाएंगे एक्सटेंडेड पैरामीटर्स के प्रेस करने के करेंगे तो उसके नीचे एक्सटेंडेड पैरामीटर्स दिखाएगा। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये इसमें ज़्यादातर रेडियस होता है, मतलब कि एक स्मूथनेस रहेगा, सेम वैसा ही रहता है जैसे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स का रहता है। तो आइए ये जानते हैं। पहला एक था हेडरा। हेडरा क्या करता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए इस तरह से एक शेप आता है। मैं एल्ट और डब्ल्यू कर लेता हूँ बड़ा ताकि आसानी से दिख सके। ये देखिए ये शेप्स इसके अंदर दिखती है। फिर इसके हमें पैरामीटर मिलते हैं, ये देखिए यहाँ से ये शेप होती है, यहाँ से ये शेप होती है, यहाँ से ये शेप। तो यहाँ हमारी शेप बदल रही है, ये देखिए यहाँ से इसके पैरामीटर्स में ये चेंजेस आ रहे हैं। क्यू में करने से ये चेंजेस आ रहे हैं। तो हमें जैसा चाहिए वैसा हम कर सकते हैं, बस हमको ये जानना है कि कहाँ से ऐसा शेप बनता है। देखिए ऐसा अगर बनाना हो तो इस तरह से हम बना सकते हैं। मॉडिफाई में भी आपको यही मिलेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपने, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं टोरस। ये क्या होता है, ये देखिए इसमें मैं क्लिक करा और सेकंड क्लिक पे ये पतला और मोटा होगा, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा है। इसकी थिकनेस बढ़ेगी घटेगी, यहाँ पे ये देखिए इसके पैरामीटर्स मिल जाते हैं। ये जूम हो रहा है, ये पी, ये यहाँ पे शेप चेंज होगी, ये आपको कर करके देखना है। आगे हम इसका बताएंगे यूज़ कहाँ पे करते हैं। यहाँ पे ये शेप साइड्स, यहाँ पे ये इस तरीके से चेंजेस होंगे। ट्विस्ट, ये आपको इस तरीके से अगर कोई शेप बनानी है घर की सजावट के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी शेप इसमें मिलेंगी। फिर आते हैं चैम्पर बॉक्स में, इसका बहुत यूज़ होने वाला है, देखते हैं चैम्पर बॉक्स। इसके लिए हमें जैसे हम सिंपल बॉक्स क्रिएट करते थे वैसे ही करेंगे और इसको हाइट देंगे और फिर इसको यहाँ पे स्मूथनेस कितना देना वो हम देंगे। L4 करेंगे, वो F4 प्रेस करेंगे तो हमें एजेस दिखाएगा। अगर इसको हमको और स्मूथ करना है तो यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और ये फ्लैट फ्लैट सरफेस पर एज ज़्यादा डाल देंगे तो ये हमको ज़्यादा स्मूथ दिखाएगा। अब F4 प्रेस करेंगे तो हमें स्मूथनेस ज़्यादा नज़र आएगी। नेक्स्ट चलते हैं ऑयल टैंक। ऑयल टैंक कैसा होता है, यहाँ पर से सर्किल की तरह रहेगा और इसको ऊपर खींचेंगे, फिर आप इसको ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ कैप्सूल जैसा बनेगा। ये ऑयल टैंक में यूज़ कर सकते हैं इसको। फिर इसके सेम पैरामीटर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, रेडियस, हाइट, विड्थ बढ़ाने के लिए, कैप, ये देखिए कैप अप एंड डाउन हो रहा है, बैंड, यहाँ से बैंड वर्क कर सकते हैं, साइड्स, इसकी कितनी साइड्स रखनी है और हाइट सेगमेंट, ये आप तो सेगमेंट में ज़्यादा स्मूथ। और ये स्लाइस ऑन जैसे पहले भी करें, यहाँ से कटेगा इस तरीके से, हमें जितना रखना है वैसे रख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये देखिए। तो ये हमारा इसमें दिखा रहा है। फिर चलते हैं कैप्सूल, सिंपल ड्रैग करना और इसको हाइट देना। कैप्सूल और ऑयल टैंक लगभग सेम ही है। फिर चलते हैं आगे, इस पे क्लिक करेंगे और हाइट देंगे और इसको ये इस तरीके से ऊपर करेंगे तो ये अंदर की तरफ होगा, इस तरीके से शेप बना सकते हैं। और इसके पैरामीटर्स यहाँ मिल जाएंगे, हाइट करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं कम ज़्यादा, बैंड यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए शीट्स सेम हो रहा है,
तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर एल, इट ये क्या होता है, एल शेप में बनेगा। ये देखिए, ये एल शेप में ऐसा बनेगा। इसके पैरामीटर्स हमको मिल जाएंगे इधर, कितना कम ज़्यादा करना है, लेंथ कम छोटा करना है, हाइट करना है। तो लगभग ये सेम ही जैसे रहेंगे सबके पैरामीटर्स। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। एक स्टार की तरह रहेगा, इसको क्लिक करेंगे और हाइट, हाइट देने के बाद ये इसमें कितना हमें कॉर्नर इसके स्मूथ करना है, यहाँ पर हमने कर दिया। फिर आ जाते हैं इसके यहाँ पे कितने साइड्स, ये देखिए जितने साइड्स बढ़ाएंगे उतना ये सर्किल जैसा होगा। रेडियस कितना बढ़ाना है घटाना है, फ्लैट इसके एज यहाँ से स्मूथली होंगे। ये देखो अगर मैं यहाँ पर घटा देता हूँ, यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पर फ्लैट बढ़ाऊंगा तो ये एज यहाँ से सर्किल हो जाएगा। F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको यह राउंड दिख रहा है, स्मूथनेस आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। एज सेंटर दोनों से बना सकते हैं, कीबोर्ड एंट्री से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है, मोस्टली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, कीबोर्ड एंट्री का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। फिर रिंग वेव, रिंग वेव क्या करता है, पहले से इसमें एक डिज़ाइन बना होता है। ये देखिए क्लिक करना है, ड्रैग करना है और इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ऐसा। फिर इसमें ये फिर इसके रेडियस मिल जाता है हमको, यहाँ पे डिज़ाइन का ये सेगमेंट ज़्यादा मिल जाएगा। शीट्स कितने चाहिए, कम ज़्यादा करना है, हाइट स्टार्ट। ये देखिए ये शेप चेंज हो गया, यहाँ से कैसे करना है। यहाँ पे ये सब रहेगा इसका, ज़्यादातर यूज़ इसका नहीं करते हैं आप, बस थोड़ा बहुत इसको फैन पे, जहाँ पर हम वॉल पे फैन लगाते हैं उसके नीचे लगा सकते हैं, तो एक डिज़ाइन यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा कि हम कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट पे हॉर्स, ये देखिए इस पर क्लिक करा और ये हाइट, ये शेप के मॉडिफाई में आते हैं दोनों। यहाँ से देखिए कितने डिग्री पर ये थिकनेस कम हो गया, स्टार्ट ऊपर की तरफ, ये एंड की तरफ से कम ज़्यादा परसेंटेज कितना करना है, ये यहाँ चेंज हो रहा है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे डायमीटर, इसके डायमीटर ये देखिए अंदर की तरफ करना है कि बाहर की तरफ करना है। ये तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसे रहेगा। फिर चलते हैं प्रिम्स, ये क्या करेगा, एक शेप है पहले से ही, इसको ड्रैग करें और हाइट ये देखिए, उसके बाद ये हाइट दे सकते हैं। फिर मॉडिफाई में इसको ऐसे हाइट ज़्यादा देना है, लेंथ यहाँ की लेंथ ज़्यादा देना है, हाइट ये ऐसा शेप यहाँ पे है। तो आगे हम देखेंगे इनका यूज़ कहाँ पे कैसे करते हैं, बस अभी हमको जान लेना कि ये शेप कहाँ से बनती है और बनाना पड़ेगा तो कहाँ से हमें लेना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट क्रिएशन क्रिएट जहाँ से करते हैं और भी शेप्स को जो हमें बहुत यूज़ होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।